दोस्तों आज हमारे बीच में है सिद्धार्थ नाहर। वी हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स इन लॉ। दोस्तों आप सभी जानते हैं सीए के एग्जामिनेशन में भी इंटरमीडिएट में लॉ में 80 का स्कोर करना ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है आपके साथ है कि स्कोर सो मच 80 मार्क्स। कैसे अचीव हुआ है सब कुछ सर? बस क्लासेस टाइम से कंप्लीट किया और जैसे मैम क्यूमुलेटिव रिविजन्स कराती थी उसके थ्रू अपन स्टिकी नोट्स यूज़ करते थे, उनका बहुत यूज़ होता था। देन नॉर्मल रिविजन किया एंड में एंड बस सब गाइडेंस फॉलो करी तो हो गया। क्या बात है यार, आप मुझे बताओ 80 मार्क्स स्कोर करने के लिए विशेष कोई ऐसी चीज़ है जो आपने मैम ने आपको बोली थी और आपने फॉलो की या मैंने बोली थी आपने फॉलो की और उसका कई फ़ायदा हो रहा है आपको एग्जामिनेशन में जो आप सभी लोगों ने फॉलो करना चाहिए? मैंने सेक्शन नंबर सारे कोट किए थे जो भी आपने कॉर्पोरेट लॉ के थे सारे सेक्शन नंबर्स कोट किए थे जो भी आते थे। ओके, और जो एक पतली सी चार्ट बुक दी जाती है उसके बारे में कुछ बोलो, इज दैट यूजफुल? कैसा करना चाहिए, हाउ इट इज टू बी डन? अदर लॉज में वो बहुत यूजफुल थी। जैसे अदर लॉज में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, जनरल क्लॉजेस हैं, वो वर्ड टू वर्ड कहीं याद नहीं हो पाते हैं तो उन केसेस में चार्ट बुक बहुत हेल्प करती है। अच्छा, तो आप मुझे बताओ जब अंकिता, जैसे हम लोग हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि जब आप लॉ लिख रहे हो तो क्या लिखते समय प्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंस है, हैंडराइटिंग का इम्पोर्टेंस है? हैंडराइटिंग से ज़्यादा कैसे हम आंसर प्रेजेंट करते हैं उसका इम्पोर्टेंस है। तो जैसे मैम ने फॉर्मेट बताया था वैसे ही प्रेजेंट किया था मैंने। तो आपने मतलब प्रोविजंस, एनालिसिस और कंक्लूजन उसी तरह से? ओके, और आपने कोई भी टॉपिक ऑप्शन में छोड़ा था? नहीं, मैं मतलब लास्ट 1.5 डेज में मैंने सोचा था कि मैं छोड़ दूंगा बट फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों रिस्क लूं तो right. मैंने कर दिया था वो भी। तो आपने सारे टॉपिक्स कवर किए, क्लासेस के वक्त भी प्रेपरेटरी लीव भी और 1.5 भी। अच्छा, लॉ जैसे सब्जेक्ट में मोस्टली बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, तो डेढ़ दिन में आपने कैसे, क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो की थी कि आपका सब कुछ रिवाइज हो गया और आप पेपर के लिए गए? मैम मैंने जस्ट अकाउंट्स के पेपर से पहले लॉ का रिवीजन उठाया था सो दैट जब मैं लॉ वापस रिवाइज करूं तो मेरे को मेमोरी में रहे राइट और मैं लॉ इजीली 1.5 डेज में रिवाइज कर पाऊं। ग्रेट, वंडरफुल। और आपने एमसीक्यूज को पहले सॉल्व किया था या आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए थे? पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑप्ट किए थे, 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, देन एमसीक्यू, देन 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अच्छा, तो बेसिकली बच्चे को इम्प्रॉम्प्टू डिसाइड करना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट की ओके ग्रेट वंडरफुल। जो मटेरियल मैम ने जो प्रोवाइड किया आपको तो उस मटेरियल को सब कुछ आपने फॉलो किया एज इट इज? हाँ, मैंने क्वेश्चन बैंक पूरा अपना मैम का ही रेफर किया था। जैसे मेरे क्वेश्चन बैंक में पास्ट क्वेश्चन पेपर्स है, आरटीपी के क्वेश्चंस है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस है, इससे क्या आपको हेल्पफुल रहा था? हाँ, पूरा मैंने उन्हीं को फॉलो किया था और एट द सेम टाइम मैंने उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए थे तो जो कि मैंने 1.5 डेज में रिवाइज किया। ग्रेट वंडरफुल। क्या बात यानी कि एक बात पूछना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन जो लॉ की हो रही है तो बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि 3 घंटे में उनका पेपर फिनिश नहीं हो पाता है, आपका फिनिश हुआ था? हाँ, कंप्लीट हो गया था बिकॉज मैंने मॉक टेस्ट में अपीयर किया था। अच्छा, तो उसकी वजह से मेरे को टाइम मैनेजमेंट आपने दिए थे? मैंने आईसीएआई के दोनों मॉक टेस्ट। ओके, ग्रेट। 100 मार्क में से आपने 100 मार्क पूरा लिखा था? हाँ, पूरा लिखा था या। और किसी ने आपको 100 में से 80 दिए, यानी हर 10 में से 8 दिए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। और आपने क्लासेस के दौरान भी जो टेस्ट होते हैं, आपने कौन से मोड से क्लासेस ली थी? जीडी लिया, जीडी मोड। तो वो क्लासेस के दौरान भी जीडी के बच्चों को भी अपन टेस्ट सीरीज देते हैं, वो आपने सॉल्व किए? बिल्कुल बिल्कुल किया था। बेसिकली आपने क्लासेस के साथ साथ 6-7 टेस्ट तो अपने होते ही है और प्लस आपने प्रेपरेटरी लीव में 2 मॉक टेस्ट दिए थे तो उसके वजह से आपको काफ़ी एक आइडिया आ गया था कि 3 घंटे में कैसे पेपर कंप्लीट करें। नटशेल लग रहा है कि क्यूमुलेटिव रिविजन किया, कंसिस्टेंटली लॉ को किया, पेपर लिख कर देखे, 100 मार्क कंप्लीट करना चाहिए, सेक्शन नंबर लिखना चाहिए, कुछ और छोड़ना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, सेक्शन नंबर लिखना चाहिए, याद है तो कोट करना चाहिए, ये सारी चीजों का मिश्रण जो है वो 80 मार्क्स में आया अंकिता। राइट, फिर से एक बार बेटा बहुत शुभकामनाएं, आपने जो बोला है आई होप इट विल बी बेनिफिशियल टू एवरीवन। कैसा लग रहा है आज आपको यहां पे आके? सर बहुत अच्छा है, मतलब एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है इवेंट में आके। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, वंस अगेन बेटा कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।